जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है 1900 पोस्ट का भर्ती का रिक्रूटमेंटेशन जो है इसका नोटिस दिया गया है, तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और यह किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, तो फुल वीडियो में बना रहिएगा। तो आज यहाँ एक बार आपको वैकेंसी का आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी दी गई है, ऑर्गेनाइज नेम अगर आप जानना चाहें तो इंडियन पोस्ट ऑफिस, और यह नोटिफिकेशन जो है इसका 8/11/2023 को नोटिफिकेशन दे गया है। और यह गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय जो है रेगुलर बेसिस है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट दी गई है, तो यहाँ देखिए यहाँ पोस्ट दिया गया है टोटल 1899 यानी 1900 पोस्ट है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया की है, मैंने कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे डेट दिया गया है इसका जो अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, ये 10 नवंबर से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और 9 दिसंबर तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी प्रोसेस जो है इसमें आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसमें, तो आज यहाँ वैकेंसी जो है यहाँ पोस्ट वाइज दी गई है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, या नेम ऑफ पोस्ट दे दिया गया है और किस में कितनी पोस्ट है वह दिया गया है। यहाँ पोस्टल असिस्टेंट है जिसमें कि 598 पोस्ट है, और यहाँ नेक्स्ट जो है स्ट्रॉजिंग असिस्टेंट है इसमें भी 143 पोस्ट है। पोस्टमैन है जिसमें कि 585 पोस्ट है। एक गार्ड की पोस्ट है जिसमें 3 पोस्ट है। नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसमें, या तो मल्टी टास्किंग MTS की पोस्ट है जिसमें कि 570 पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ वैकेंसी आपको स्टेट वाइज दिया गया, यानी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है यहाँ दे दिया गया है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं वो स्टेट आप देख लेंगे। तो पूरी स्टेट वाइज जो लिस्ट दिया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं और आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो आपको हम दिखा दिए पोस्ट जो है यहाँ 3 से 4 टाइप की पोस्ट है। तो उसमें सभी पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और इसमें जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगा, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट इसके साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट और जो पोस्ट दिया गया था जो पोस्टमैन का था, MTS वाली पोस्ट थी, तो उसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है ये 10th क्लास पास है। तो अगर आप 10वीं पास है तो इसमें जो टोटल वैकेंसी में 3 टाइप की पोस्ट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और पोस्ट फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो इसमें चॉइस ऑप्शन आपको डालना होगा आप किस किस में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले नेक्स्ट जो हमारा यहाँ दिया गया है, यहाँ एज लिमिटेशन दिया गया कि एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ एज दिया गया है। कैटेगरी वाइज जो जो पोस्ट था उसका कैटेगरी दिया गया है, मेनली एज लगभग सब में जो है या 18 से 27 साल तक का एज दिया गया है। और मल्टी टास्किंग यहाँ जो स्पेशल है इसमें 18 से 25 साल ही एज दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाए थे इसी पोस्ट के अनुसार दिया गया था, जिसमें जो पोस्टमैन है जो यहाँ 3, 4, 5 की जो वैकेंसी है या 3 कैटेगरी, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 10th क्लास क्वालिफाई, अगर आप 10 क्लास पास है तो इसके लिए एलिजिबल है। और ऊपर वाली जो 2 वैकेंसी है असिस्टेंट की, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसका पेमेंट का, जो पे स्केल रहने वाला है इसका पे स्केल क्या रहता है, तो यहाँ आपका सैलरी दे दिया गया पोस्ट वाइज, यहाँ आपका सैलरी भी दिया गया है। असिस्टेंट के लिए 25,000 से यहाँ 81,100 रुपये दे दिया गया है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पोस्टमैन की सैलरी दी गई है, पोस्टमैन की सैलरी 21,700 से 69,100 दिया गया है। और मेल गार्ड जो है इसकी भी सैलरी यहाँ 21,000 से 69,000 के बीच दिया गया। और मल्टी टास्किंग वाला जो है इसकी भी सैलरी जो है 18,000 से 56,000 रुपये दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट टू सिलेक्शन प्रोसेस, तो गाइस आपको पता होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है केवल आपको फॉर्म भर के छोड़ देना है। और इसमें मेरिट लिस्ट आता है, मतलब कि आपका नंबर बेसिस में आपका आएगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में है तो आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस आपका सिलेक्शन होगा,
और अगर टेंट लेवल में है तो आपका टेंट में जो मार्क्स है उसी के बेसिस में सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं लगने वाला है। और इसमें जो मेरिट लिस्ट आता है, 2 से 3 मेरिट लिस्ट आता है, और इसमें जिसका नंबर ज़्यादा रहता है उसी बेस्ड में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फ़ी। तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है तो आपको पता होगा 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी लगता है। और इसमें जो SC ST है उसके और PWD है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहता है। तो ये फ़ी जो है जनरल, सिर्फ जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगता है। इसमें ST और PWD का भी कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। नेक्स्ट है EWS से भी, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट है कि आप इसमें जो पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट डेट तो आपको बता ही दिया, डेट यह है। नेक्स्ट आप इसका अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो आप sarkarindia.com में जाकर उसका जो उस साइट से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ डायरेक्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो गवर्नमेंट का जो साइट है आप उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।